नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्कीमेटिक हार्टमैन बॉयलर के बारे में, इसकी वर्किंग को समझेंगे, इसके मेन पार्ट समझेंगे, कैसे काम करता है वो जानेंगे। तो स्कीमेटिक हार्टमैन बॉयलर के पार्ट पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास होती है एक फाउंडेशन, इस तरह से एक कोई एक ग्राउंड है या कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ये पूरा बॉयलर जो है हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे है उस बॉयलर की शेल। तो ये जो है बॉयलर की पूरी शेल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ये बॉयलर की शेल है, बॉयलर शेल। अब इस बॉयलर शेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस बॉयलर शेल के अंदर होता है हमारा कंबर्शन चैम्बर, सबसे नीचे जो होगा वो होगा कंबर्शन चैम्बर। अब कंबर्शन चैम्बर में क्या होगा, कंबर्शन चैम्बर में जो भी हमारा फ्यूल होगा वो यहाँ पे होगा और बर्न होगा। बर्न होने से क्या होगा, हॉट गैसेस निकलेंगी, तो यहाँ पे कंबर्शन होता है फ्यूल का, तो इसलिए इसको कंबर्शन चैम्बर बोला गया है। नेक्स्ट जो इसके ऊपर होता है वो होता है हमारा प्राइमरी इवेपोरेटर। प्राइमरी इवेपोरेटर इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के सर्किट यूज किए जाते हैं जो स्कीमेटिक हार्टमैन बॉयलर है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। अब जो प्राइमरी इवेपोरेटर है तो वो प्राइमरी जो है सर्किट से कनेक्टेड है, प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको प्राइमरी इवेपोरेटर बोल दिया। तो अभी आप जो है इसको प्राइमरी इवेपोरेटर से ही याद रखें। वैसे इवेपोरेटर है जो कि क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर होगा उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इवेपोरेटर का काम तो वही होता है, प्राइमरी इवेपोरेटर, क्योंकि प्राइमरी सर्किट से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है ये होता है सुपर हीटर। तो हम बात कर रहे हैं अभी जो सेल के अंदर चीजें लगी हुई है, जो बॉयलर की शेल है, यहाँ सुपर हीटर है। सुपर हीटर का काम क्या होता है, स्टीम को सुपर हीट करना ताकि उसकी एनर्जी को जो है अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज किया जा सके स्टीम की, और ड्राई भी रहे वो, एक तरह से सुपर हीटेड रहे, काफी तेजी से चले और काफी अच्छी एफिशिएंसी भी दे। सुपर हीटर यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लगा होता है ये होता है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, एयर को प्री हीट करना, एयर को पहले हीट करना। अब इस एयर प्री हीटर का यूज है क्या, एयर प्री हीटर से यहाँ पे बॉयलर ब्लोवर कनेक्टेड है, सॉरी ब्लोवर है ये, और ये जो ब्लोवर है जब ये रोटेट करता है तो बाहर से जो है कोल्ड एयर को ये लेता है, ये लेता है कोल्ड एयर को, और फ्लू गैसेस जो ये हॉट गैसेस हैं अपना काम करके जब ये यहाँ से चिमनी से जाती है, अब ये यहाँ पे क्या है, ये एग्जॉस्ट गैसेस आप इनको बोल सकते हैं, ये क्या है, जो बाहर जाने वाली गैसेस हैं, तो एग्जॉस्ट गैसेस आप इनको बोल दीजिए, ये एग्जॉस्ट गैसेस हैं। तो ये जब यहां से जाती हैं तो ये एयर प्री हीटर से गुजरती हैं। अब एयर प्री हीटर से गुजरती हैं, यहां से कोल्ड एयर जो है यहाँ पे आती है इसके थ्रू। अब ये कोल्ड एयर जो है यहां से इसकी हीट को लेती है और ये गर्म हो जाती है। तो ये गर्म होकर एयर प्री हीटर जो है ये कहां कनेक्टेड होता है, ये हमारा कनेक्टेड होता है कंबर्शन चैम्बर के पास। अब इससे क्या होगा कि जो ये गर्म एयर है, ये जो हॉट एयर है ये यहां से आती है और ये कहां पे जाती है, कंबर्शन चैम्बर में जाती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब देखिए ये गैसेस तो हमारी बाहर चली जानी थी जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, लेकिन हमने क्या किया, इसकी हीट का यूज करके बाहर की ठंडी हवा का थोड़ा गर्म कर लिया। अब हवा को, हवा की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हवा की जरूरत पड़ेगी कंबर्शन में जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ी गर्म हवा फेंक दें, जितनी भी हम यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट कर पाए एग्जॉस्ट गैसेस की, और यहाँ पे हम गर्म हवा जो है अंदर फेंक दें, गर्म हवा से अगर फ्यूल के अंदर थोड़ी बहुत नमी है वो भी सूख जाएगी, या फिर हम कहें कि जल्दी से वो बर्न हो जाएगा, एफिशिएंटली बर्न हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी पूरे प्लांट की। तो इसलिए जो है एयर प्री हीटर का यूज किया जाता है ताकि इस गर्म हवा का हम यूज कर सकें। कोल्ड एयर ये लेता है और जो हॉट एयर है ये जो है बाहर छोड़ता है, और जिसको हम कंबर्शन चैम्बर तक पहुंचाते हैं जहां पे हमारा फ्यूल बर्न होता है। तो ये सेल के बारे में और ये जो पार्ट है आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किए हैं। अब जो ये प्राइमरी इवेपोरेटर है ये हमारा कनेक्टेड होता है प्राइमरी सेपरेटर से। अब यहाँ पे सेपरेटर लगा है। अब सेपरेटर का फंक्शन क्या है, जैसा कि यहाँ पे नाम बोला गया है सेपरेटर, सेपरेटर का फंक्शन होता है जो स्टीम है उसको सेपरेट करना, स्टीम को सेपरेट करना इसका फंक्शन होता है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ वाटर के साथ, स्टीम के साथ कुछ वाटर के कण भी अगर यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से जो है ये प्राइमरी इवेपोरेटर है यानी कि ये स्टीम में कन्वर्ट करेगा,
लेकिन स्टीम के साथ मान लीजिए कुछ वाटर के पार्टिकल भी आ जाते हैं, तो ये सेपरेटर है जो कि अलग करने का काम करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन में स्टीम हल्की होती है, वाटर उससे डेंस होता है, तो स्टीम ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो स्टीम है ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पे स्टीम और वाटर का। तो ये प्राइमरी इवेपोरेटर जो है प्राइमरी सेपरेटर से कनेक्ट है। प्राइमरी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सारा ही अभी हम प्राइमरी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। दो सर्किट होते हैं इसके अंदर जैसा हमने बात की। तो प्राइमरी सेपरेटर जो है आगे कनेक्ट होता है जो मेन जो इवेपोरेटर है उससे, और उनके बीच में लगा होता है एक प्रेशर गेज जो कि प्रेशर को दिखाता है कि कितना स्टीम का प्रेशर है, और यहाँ पे ये इवेपोरेटर है। जो दूसरा हिस्सा है प्राइमरी इवेपोरेटर का, वो कनेक्टेड होता है हमारा वाटर ड्रम से। अब ये देखिए, ये जो वाटर ड्रम है इसके अंदर होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो सारी जो टर्म है हम क्लियर करते चलेंगे। ये हमारा होता है डिस्टिल्ड वाटर। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, हम दो तरह के वाटर इसमें यूज करते हैं, एक तो डिस्टिल्ड वाटर और एक इम्प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को प्राइमरी सर्किट में यूज करते हैं, और उसका यूज क्यों करते हैं, ताकि हम हाई प्रेशर पे लगभग जो है 100 बार पे स्टीम को क्रिएट कर सकें। तो ये यहाँ पे होता है वाटर ड्रम जिसके अंदर होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये आप ध्यान रखें कि इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसके बाद यहाँ पे ये होता है हॉट वेल। हॉट वेल भी आप इसको कह सकते हैं या फीड टैंक भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर होता है इम्प्योर वाटर। तो यहाँ पे ये होता है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर लिया इसलिए इसको इम्प्योर वाटर बोल रहे हैं। तो ये इम्प्योर वाटर है या हॉट वेल इसको बोल देते हैं, अगर आप फ्ल्यू गैसेस का यूज करके इसमें थोड़ा बहुत गर्म पानी आप ले आते हैं तो हॉट वेल भी इसको बोल दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हॉट वेल है इसके साथ एक फीड पंप कनेक्ट होता है, इसको फीड टैंक बोल सकते हैं, क्योंकि ये फीड करने का काम करेगा वाटर को। ये फीड पंप है, जब ये चलेगा तो यहां से पानी को खींचेगा और आगे ये भेजेगा। तो ये कहां पे भेजेगा, ये भेजता है यहाँ पे हमारा होता है फीड प्री हीटर, और ये लो प्रेशर फीड प्री हीटर होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड है। प्राइमरी सर्किट ये है, ये जो हमने डिस्कस किया अभी इसको पूरा करेंगे। तो ये सेकेंडरी सर्किट ये है और यहाँ पे फीड प्री हीटर है, लो प्रेशर फीड प्री हीटर होता है। फीड प्री हीटर, प्री हीटर का मतलब ये पानी को पहले गर्म करने का काम करता है, तो इसलिए प्री हीटर इसको बोला गया है। अभी समझेंगे इसको भी ये कैसे करता है, और ये आगे कनेक्ट होता है मेन इवेपोरेटर से। अब इसको ध्यान से समझिए कि जो ये सर्किट है, अब यहां से देखिए जो ये पानी जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, ये भी हम समझेंगे कैसे होगा, और यहाँ पे ये जाता है इवेपोरेटर के पास। तो ये जो सर्किट है ये सेकेंडरी सर्किट होता है हमारा, ध्यान दीजिए सेकेंडरी सर्किट है सारा। और यहाँ पे जो है, जैसे ही ये जो है यहाँ पे इससे कनेक्ट होता है, ये प्रेशर गेज है इससे कनेक्ट, जैसा कि हमने बताया ये इवेपोरेटर है और ये इस फीड प्री हीटर से कनेक्ट होता है। ये जो है हमारा प्राइमरी सर्किट है पूरा, ये जो है ये वाला सर्किट जो है पूरा प्राइमरी सर्किट है। यहाँ भी ये कनेक्ट होगा, हम बाद में देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है स्टीम बनती है, यहाँ पे स्टीम बनेगी और यहां से जो है ये हमारी जाएगी सुपर हीटर पे, ये देखिए सुपर हीटर है, और सुपर हीटर से सुपर हीटेड स्टीम बाहर जाएगी, कहां पे जाएगी, ये जाएगी टरबाइन के पास, टरबाइन को मूव करेगी या फिर प्राइम मूवर जो भी आप कह लें, वहां पे ये जाएगी। यहाँ पे एक लगा होता है नॉन रिटर्न वाल्व। अब देखिए नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब है जैसे कि नाम दिया गया है कि वापिस नहीं जाने देता किसी चीज को। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए जो स्टीम बनती है, अब देखिए यहाँ पे जो है नेचुरल सर्कुलेशन होता है सारा। नेचुरल सर्कुलेशन क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए आप क्या करें, यहाँ पे वाटर ले लें, तो यहाँ पे वाटर है और जब आप इसको हीट दें, आपने इसको हीट दी, तो हीट देने से क्या होगा, इसमें से स्टीम बनेगी और स्टीम जो है ऊपर जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोई एक पाइप कनेक्ट कर दें आगे, तो जो स्टीम है वो इस तरह से चलेगी, यानी कि जब स्टीम बनेगी वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो वाटर है वो नीचे रहेगा। तो इसके अंदर भी यही होता है, सारा नेचुरल सर्कुलेशन होता है, यानी कि डेंस पार्ट है नीचे रहता है, हल्का पार्ट जो है ऊपर उठता चला जाता है। तो नेचुरल सर्कुलेशन सारा होता है प्राइमरी के अंदर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो दो प्रेशर हमने यूज करे हैं, एक तो जो है डिस्टिल्ड वाटर और लगभग 100 बार पे हम स्टीम पैदा करेंगे, और यहाँ पे जो स्टीम पैदा होगी लगभग वो 60 बार पे पैदा होगी।
60 बार पे प्रेशर पे, फिर उसको सुपर हीटर में भेजा जाएगा जिससे वो सुपर हीट होगी और आगे वो टर्बाइन पे जाएगी। ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके अंदर जो है, इसके जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं अभी और देखेंगे इसके बारे में। इसके जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं, इसका फायदा ये है कि इसके अंदर जो साल्ट की डिपोजिशन है प्राइमरी सर्किट में नहीं होगी, क्योंकि हमने दो सर्किट यूज किए हैं, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर यूज कर लिया है और इम्प्योर वाटर के थ्रू जो साल्ट अगर डिपोजिशन होती भी है उसको आसानी से अलग कर लिया जाता है क्योंकि वो सेकेंडरी सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट है और ये पूरा एक प्राइमरी सर्किट है। अब चलिए इसको समझते हैं, यहां से चलते हैं, हम यहां से लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो आप इसकी वर्किंग समझ ही गए होंगे। ये वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। यहां से वाटर गया हमारा इस पाइप के अंदर, इस पाइप से चलता हुआ हमारा गया यहाँ पे प्राइमरी इवेपोरेटर में। प्राइमरी इवेपोरेटर में यहाँ पे स्टीम बनी और स्टीम के साथ कुछ अगर पार्टिकल भी जाते हैं वो जाते हैं प्राइम सेपरेटर में जिसको अलग कर लिया जाता है। फिर आगे जो है स्टीम को भेजा जाता है इस इवेपोरेटर के अंदर। इस इवेपोरेटर में क्या है, ये सेकेंडरी सर्किट से कनेक्ट है, यानी कि इसमें इम्प्योर वाटर है। और जब जैसे ही ये हाई प्रेशर जो स्टीम होती है और टेम्परेचर भी इसका हाई होता है, ये इतना काफी होता है कि इस इम्प्योर वाटर को ये स्टीम में कन्वर्ट कर सके। लेकिन इसका जो स्टीम का प्रेशर होगा लगभग 60 बार के करीब होगा, तो ये जाएगी हमारी सुपर हीटर पे और बाहर टर्बाइन पे, इस तरह से चली जाएगी। अब ये जैसे ही यहाँ पे इस इम्प्योर वाटर को अपनी हीट देगी तो ये कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अपनी हीट तो इसने दे दी इस इम्प्योर वाटर को। ठंडी होने के बाद जो है ये वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, लेकिन ये काफी गर्म पानी होगा। ये गर्म पानी जाएगा इस फीड प्री हीटर में जो कि लो प्रेशर फीड प्री हीटर है। इसके अंदर जो है यहाँ पे पहले ही कुछ जो है, ये पहले ही जो इस पाइप से जो चल रही है जो कि हमारी इम्प्योर वाटर है, इस तरह चल रहा है, यानी कि इसको पहले ही गर्म कर देगा। तो फीड प्री हीटर इसलिए बोला कि यहाँ से जो है, यहाँ से पानी गया इसको ये गर्म कर देगा क्योंकि पहले ही गर्म होगा। और जो ये पानी डिस्टिल्ड वाटर इकट्ठा होगा दोबारा से हम इसको यहाँ पे ले लेंगे वाटर ड्रम में। अब देखिए ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट है, जो प्राइमरी सर्किट है ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर हम जो है रिसर्कुलेट करते रहेंगे, इसके अंदर वेस्ट नहीं करेंगे, रिसर्कुलेट करते रहेंगे। और जो इम्प्योर वाटर है उसकी जो है स्टीम बनाकर जो है आगे भेजते रहेंगे सुपर हीटर पे और वो प्राइम मूवर को मूव करता रहेगा। तो इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हमने दो सिस्टम यूज किए हैं, दो प्रेशर सिस्टम, हाई जो प्रेशर सिस्टम है लगभग 100 बार जिसके अंदर डिस्टिल वाटर यूज किया, और जो इम्प्योर वाटर है इसके लिए जो है सेकेंडरी सर्किट हमने यूज किया है जिसके अंदर लगभग स्टीम पैदा होगी 60 बार पे, उसको सुपर हीटर में भेजा जाएगा। इसके अंदर स्केल डिपोजिशन की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जो प्राइमरी सर्किट है पूरा क्लोज है, डिस्टिल वाटर है, सेकेंडरी में इम्प्योर वाटर है, तो उसको जो है साफ कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, हाई लोड ये टेक कर सकता है, यानी कि इजिली जो है हाई लोड पे काम कर सकता है, वाइड फ्लक्चुएशन पे ये काम कर सकता है। तो ये था हमारा स्किमडिट हार्टमैन बॉयलर की वर्किंग। हमने कोशिश की है इसको पूरी समझने की, कि आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। थैंक यू।